भीमताल से बस थोड़ा पास और नैनीताल और मुक्तेश्वर से बस थोड़ा सा दूर है एक प्यारा सा गांव गुनिया लेक, अ स्लीपी लिटिल हैमलेट डीप इन द लैप ऑफ कुमाऊं। तो अगर आज आप मेरे साथ गुनिया लेक की दुनिया देखने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं फिर। This pretty village is around 30 kilometers from Bhimtal and the journey provides picturesque views of the forests, streams and valleys. मॉनसून की वजह से इस जर्नी की खूबसूरती थोड़ी और भी बढ़ गई थी और इसीलिए रुकते रुकाते जाने की वजह से ये एक घंटे का सफर थोड़ा लंबा हो गया। जहां हम रुकने वाले हैं वहां तक मेन रोड से एक 10-15 मिनट की हाइक है। अगर अब तक आप मुझे थोड़ा बहुत जान पाए हैं तो अपना मंत्रा तो पता ही होगा कि अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए थोड़ी मेहनत करके जाना पड़े तो नो डाउट वो जगह कुछ स्पेशल होने वाली है। आरिश, जिसका मतलब है सूरज की पहली किरण, इज अ ब्यूटीफुल माउंटेन होम सेट अप वंडरफुली बाय देव एंड दीपिका। एक रिच पे बना होने की वजह से यहाँ चारों ओर माउंटेन व्यूज हैं और क्लियर मंथ्स में सामने ही नंदा देवी और त्रिशूल जैसी स्नो क्लैड मेजेस्टिक रेंजेस भी दिखती हैं। इट इज एन एक्सक्लूसिव 4-bedroom माउंटेन रिट्रीट दैट ऑफर्स बोथ द एक्सपेंसिव व्यूज आउटसाइड एंड एन एम्ब्रेसिंग कम्फर्ट इनसाइड। आरिश का हर एक कोना सोफिस्टिकेटेड और मिनिमल डिजाइन का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। यहाँ का हर फर्नीचर, हर एक आर्टिफैक्ट इज पर्सनली हैंडपिक्ड एंड सोर्स्ड थ्रू लोकल मार्केट्स एंड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट इज दीज टेस्टफुल पर्सनल टचेस दैट मेक सोफिस्टिकेटेड मॉडर्निज्म सो मच इन्फ्यूज्ड इन द वेरी एसेंस ऑफ आरिश। Can't believe this is what 5 minutes 10 minutes में उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। हम स्लो चले तो शायद हमें 10 मिनट लगे। Yeah barely, it's like a barely like a 7 minute walk or so. 100 meters 150 meters. That's it. And imagine हम जब मैं पहुँचा था it was पूरा washed out, निकले भी अभी तभी तो उस तरफ washed out था, it's all clear.
एंड आई गेस इट वॉज मेंट टू बी इट्स मेंट टू बी डेफिनेटली हमारे साथ ऐसा होता है हमेशा कि इवन व्हेन गेस्ट कम अप फॉर अस बोथ ऑफ अस वी आर ऑलवेज वरीड व्हेन स्पेशली व्हेन इट्स रेनिंग हेवीली यू नो हाउ विल वी गेट द गेस्ट अप यू नो दे विल गेट वेट and it's the same case when they are leaving also they have to get the luggage back and all that so we tell them you will get your 5 minutes of window you know us beech mein aap bhago niche and you know it's been so long now even for us and it holds true jab bhi kisi ko aana hota hai ya jana hota hai usi time pe barish ruk jati hai ruk jati hai it actually holds up It holds up, you know. So I think there is some divine blessing. There is some divine blessing in us, and that's the thing on the ridge. You know, the weather suddenly changes. You know, suddenly you see a cloud coming in, suddenly it goes off. But that's the beauty, you know. For us, हम लोग ऊपर ही देखते रहते हैं, because just like we saw that fish pattern, you'll see, you know, it's very artistic, you know. लोग हमें पूछते हैं ना करते क्या हो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग यू नो यू कैन जस्ट स्टेयर एंड यू विल सी समथिंग यू नो डेफिनेटली स्पेशली द लोकेशन दैट यू आर एट इवन ओवर हियर इमेजिन इट्स 360 डिग्रीज कहीं पे भी ऐसा लग रहा है एकदम एब्सोल्युटली योर ओन प्राइवेट वैंटेज पॉइंट लुक एट द वैली हियर आई मीन इट्स यू नो एंड इट्स एब्सोल्युटली यू नो एंड रोलिंग हिल्स है यार अभी ऑलरेडी इतना क्लाउडी है तो भी हमें तीन लेयर्स तो दिख ही रही है या सो यू गेट ब्यूटीफुल सनराइज अर्ली मॉर्निंग एंड यू नो हनुमान जी का दर्शन करो सुबह सुबह यू नो सिट डाउन हियर यू कैन कम विद अ कप ऑफ टी सिट डाउन यू कैन जस्ट पार्क योरसेल्फ हियर फॉर हाफ एन आवर वन आवर एंड यू नो यू विल जस्ट सी द ग्रेजुअल सनराइज टेकिंग ब्यूटीफुल यू नो एंड एवरी डे इज डिफरेंट यू नो इट्स एवरी डे इज डिफरेंट देन यू सी द मॉर्निंग विलेजर्स यू नो दे आर getting ready for their kheti baadi and all that so it's nice so there's some very nice walks around and you have dash always to give comfort yeah he's so this is his spot he's always you know that's it his yahan ke spot yahan ke wo thoda meditation zone mein pada jaate hain actually looks like so पहाड़ों की एक ये तो खास बात है दैट नो टू डेज आर द सेम हर रोज कुछ एक नया रंग एक नया रूप इट फील्स लाइक डेटिंग समवन हु ऑलवेज हैव अ सरप्राइजिंग एस्पेक्ट अबाउट देयर पर्सनालिटी एंड दैट इज व्हाट कीप्स द लव एंड द चार्म ऑफ दिस रिलेशनशिप अलाइव Mornings at Arish are both food for the soul and food for the body. Especially on a clear day, subah subah ki halki si thandak mein bahar baith ke nashta karna is not just a meal, but a feeling in itself.
प्रॉपर्टी के आसपास देव और दीपिका ने अपने छोटे छोटे वेजिटेबल गार्डन्स भी बनाए हुए हैं और यहीं से आती है उनकी काफी सारी हर्ब्स और सब्जियां। शायद खुद की मेहनत का ही फल है कि यहाँ की सिंपल से सिंपल डिश भी काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। अभी चौलाई, ये सर सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, फिर उसके बाद जीरा डालेंगे, फिर साबुत मिर्ची, फिर लहसुन। चौलाई का साग एक ऐसी उत्तराखंड की डिश है दैट इज नॉट ओनली इजी टू मेक बट आल्सो एक्सट्रीमली हेल्दी एंड डिलीशियस। सबसे पहले जीरा डालेंगे, उसके बाद गार्लिक डालेंगे। साग के साथ आज मेन्यू पे है कुमाऊनी रायता। दिस डिलीशियस रायता इज मेड बाय यूजिंग ग्रेटेड क्यूकम्बर, योगर्ट, मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड ऑयल, ग्रीन चिली, टर्मरिक एंड कोरिएंडर लीव्स। इट इज फ्रेश, जिंगी एंड क्वाइट पंजेंट ड्यू टू द रोबस्ट फ्लेवर ऑफ मस्टर्ड। वही थोड़ी देर मिक्स करना होता है बस, फिर छोड़ देंगे। आरिश के आसपास हर डायरेक्शन में कई सारी माउंटेन ट्रेल्स हैं एंड गोइंग ऑन अ हाइक और टू कैन बी अ ग्रेट मीडियम टू एक्सप्लोर द माउंटेन्स एज वेल एज द टेरेस फार्म्स एंड द स्लो विलेज लाइफ। ये जो स्टोन वॉल्स हैं ये पूरी ट्रेल में कंटिन्यूअसली चलती हुई आ रही है। हाँ, दिस इज आल्सो अ वे ऑफ लैंड डिमार्केशन, बाउंड्री बाउंड्री हो गया सबका, यू नो। हर विलेजर्स के साथ यहाँ होता क्या है कि फॉर जनरेशंस उन लोग यहाँ रहते हैं, तो एक तरह से वो एक अपना एरिया डिमार्केट कर लेते हैं। एक घर का उनका, मे बी दे डोंट ओन द लैंड, बट बाय लॉ ऑफ द लैंड, बाय स्टेइंग फॉर सो लॉन्ग, they by default become owners of the land. Right. And then उनका देखभाल करना, कुछ कुछ गाँव में क्या है, they divide the forest, you know, into small pieces. तो उसमें क्या है, अपने गाय भैंस वगैरह के लिए जो घास वगैरह जो है वो उसी एरिया से निकालते भी हैं और वो फॉरेस्ट को भी फिर मेनटेन करते हैं। अच्छा, तो कुछ कुछ जगह पे अच्छे प्रैक्टिस भी हैं। सो यू विल सी दिस एवरीवेयर। सो व्हेन पीपल आस्क यू कि आपके वहाँ आके क्या कर सकते हैं, आर देयर एनी थिंग्स टू डू, व्हाट्स योर रिस्पांस लाइक? मेरा फर्स्ट रिस्पांस तो यही होता है कि यहाँ कुछ मत करो आके, यहाँ आके जस्ट चिल करो, बिकॉज एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, यू नो। कई लोगों को होता है कि ऑफ बीट का क्या मतलब हुआ, ऑफ बीट का मतलब जंगल के अंदर घुस गया टाइप, वो नहीं है। सो हम नॉर्मली फर्स्ट थिंग हम यही बोलते हैं, भाई आप प्लेसेस आस पास कुछ नहीं है, यू नो, वी आर अवे फ्रॉम द सिटी एंड थिंग्स दैट। आइडिया इज टू कम हियर, enjoy yourself, you know, read a good book, lays in the sun, you know, अपना winters के time, fireplace, bonfire, there's good food,
चाय पियो, कॉफी पियो, हैव अ गुड कॉन्वर्जेशन. एंड ऑफ कोर्स देयर आर लवली हाइक्स अराउंड, यू नो, दिस ब्यूटीफुल ट्रैक्स, विलेज ट्रैक्स भी है. सो हमने अलग अलग, जैसे हम जहाँ खड़े हैं, सो दिस इज द फाइव हिल ट्रैक. तो ऐसा है कि अलग अलग हिल्स को कनेक्ट करते हुए राइट अलोंग द रिज, आप ऐसे ऊपर नीचे पांच हिल एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जा रहे हो. ओके. और ये आपने, यू हैव कॉइंड दिस नेम? हाँ, ये दीपिका इज द वन, शी इज नेम्ड इट. ये जैसे ग्रेट वॉल ऑफ गुनिया लेक कर दिया, ग्रेट वॉल ऑफ गुनिया लेक, यू नो. सो एक्चुअली दैट्स अ गुड नेम. सो उस तरह से हम लोग भी, यू नो, वी कीप इम्प्रोवाइजिंग, बट दिस प्लेस इज ऑल अबाउट, यू नो, you could call it meditation, you could call it yoga, peace of mind. So that's how we also like to, that's the reason I told you that, you know, although we have a huge, you know, piece of land, but we've just built, you know, four rooms, right. You know, and exactly in agreement with you ki utne hi log hone chahiye jitna table mein ek saath baith sake. अभी हमने कितने, जो आपकी फाइव हिल्स है उसमें से कितनी हमने ऑलरेडी कर ली है? अभी हम फर्स्ट पे ही है. अभी हम फर्स्ट पे हैं. हाँ, फर्स्ट पे ही. और हमारा कितना प्लान है? Actually, the best way is कोई प्लान नहीं रखते, हम चलते जाते हैं and we'll see. So we'll turn left from here. यहाँ से? हाँ. Okay. Healthy food, healthy environment. No, and made at home. And yeah. This is grown at home. These are all grown here, right? Yeah, yeah. Farm to table. Actually, when it comes to picnic, तो मुझे लगता है these are such a, it's such an underrated activity now. Yeah. हम बहुत सारी चीजों, चाहे वो hikes हो, चाहे वो road trips हो. Yeah. But for some reason, picnics मेरी list में it's right on the top. बट इन सब चीज़ों के साथ साथ आई एम श्योर दैट देर वुड बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑल्सो ना. एक साइड तो सिर्फ हमें जो दिखता है दैट इज द ग्लोरिफाइड वर्जन, नॉट रियली, आई मीन दैट्स ऑल्सो ट्रूथ, बट देर वुड बी अनदर साइड इज वेल. जैसे सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि आपके यहाँ सामान लाना ही, इट्स नॉट अ केक वॉक, इतने आराम से नहीं है कि ऐसा नहीं कि सीधा ऊपर तक डिलीवर करके चले गए. एब्सोल्युटली. सो इवन फॉर दैट वी normally ask the guests to give us at least, you know, 24 hours minimum notice, you know, because we have to stock up accordingly. We like to keep things fresh. So, jo hamare yahan seasonal grow kar raha hai wo to chalo theek hai, you know. So last minute, you know, gets very tough for us, you know. So that's a big challenge for us. So we normally ask guests, we avoid last minute kind of things. The other thing is, of course, logistics, then repairs, you know, because we are away. Haldwani is 2 hours. Oh. So to get a good electrician, plumber, right? You know, once it happened that flush was not working, it took us 1.5 months to get somebody here. 1.5 months to get somebody here. So yeah, I mean, once, for example, the geyser got spoiled. Okay. So the, you know, engineer calls me up saying that, sir, I have, मेरे को 25 किलोमीटर वन वे, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 2 घंटे ऐसे ही लग जाएंगे मेरे को. आप एक काम करो, एक WhatsApp वीडियो कॉल कर लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है. तो वो वीडियो ऑन कर रहा है, मैं सीढ़ी चढ़ के, वो बता रहे उसको खोलो, वो एक बटन दबाओ, वो करे और हो भी गया वो. सो सम रियली फनी थिंग्स हैपन हियर, यू नो. दिस इज द फर्स्ट. या एक्चुअली टेक्नीशियन आपको वीडियो कॉल पे गाइड कर रहे हैं, बट यहाँ एट द एंड ऑफ द डे यार, दिस इज द रियलिटी, इजंट इट.
सो एक्चुअली जब देव ने मुझसे पूछा ना कि आप लोकल कुमाऊनी क्विजीन में क्या खाओगे, मैंने कहा ये नहीं बताया क्या खाऊंगा, मैंने बताया क्या नहीं खाऊंगा। मैंने कहा भटकी दाल और आलू के गुटके, क्योंकि जहाँ जहाँ कुमाऊं में गए हैं, ऑफकोर्स नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर रियली रियली टेस्टी, बट आई टोल्ड हिम इस बार कुछ नया खाते हैं। सो फर्स्ट इज इट कि ठीक है, हमारे यहीं पर चौलाई उगती है तो उसका साग तो हो जाएगा। एंड देन बट वॉट कॉट माई अटेंशन वॉज मडुए का हलवा, मडुए की रोटी हमने पहले खाई हुई है। सो इट्स सिमिलर टू, आई एम गेसिंग द प्रिपरेशन इज वेरी सिमिलर टू जैसे आटे का हलवा बनता है, बट एज अ ग्रेन इसका जो टेक्स्चर है इसका अपना एक टेस्ट है, एंड सच अ सिंपल डिश। प्लस आई लाइक द कलर, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा यू गेट ब्राउनी जैसा लुक, फर्स्ट लुक अगर इसको ऐसे स्लैब बना दें, बट ऑल सेड एंड डन, किसी भी जगह जाके लोकल क्विजीन इन एंड दैट टू इन अ सेटअप लाइक दिस, दिस आई थिंक इट एड्स टू द एंटायर एक्सपीरियंस। सो और दो एकदम पोल्स अपार्ट फ्लेवर्स हैं। अगर हम रायता देंगे, सो इट्स स्ट्रॉन्ग, इट्स पंजेंट, इट्स पैक्ड, एंड ये देखें इट्स वेरी सटल, बहुत हल्का मीठा, बहुत हल्का फ्लेवर, बहुत हल्का फ्लेवर प्रोफाइल, बट या ग्रेट एंड टू द मील। There's nothing like your love to get me high. You're as smooth as Tennessee whiskey. एक रिमोट विलेज में बना हुआ ये घर इज सो मच मोर देन जस्ट द लग्जरी दैट यू सी थ्रू योर आईज। The silence of nature, the comforting company, the long mountain walks, and the soulful pahadi food redefines the luxury here. Even though Arish literally means the first rays of the sun, the place is an ideal retreat throughout the day. From the warm hugs of the mornings to the even warmer snugs of the late evenings, it's a place that can make you switch off your mind and switch on your heart. Day starts with coffee, ends with wine. Takes forever getting ready, so she's never on time for anything. Beautiful, crazy, she can't help it. Amaze me, way that she dances, fate to take chances, and wears her heart on her sleeve. Yeah, she's crazy, but her grace is beautiful to me.